आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेश साय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक बड़े ही अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं। ऐसा शिवलिंग संभवतः आपने और कहीं नहीं देखा होगा। हो सकता है कि कहीं और दूसरी जगह भी ऐसा ही शिवलिंग स्थापित रहा हो, पर मैंने अपने जीवन में ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं देखा है। तो बंधुओं, बात हम कर रहे हैं कि ग्राम आशापुरी में जो अब्दुल्लागंज और भोजपुर रोड पर स्थित बिलोटा धाम महादेव हैं, हम उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। यह स्थान ओबेदुल्लागंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर और भोपाल से 30 या 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी कभी आप भोपाल या होशंगाबाद की यात्रा करें तो इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन अवश्य ही करें। स्थान को देख करके आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि अरे, अभी तो यहाँ पर नया निर्माण चल रहा है, ये तो कहीं और दूसरी जगह से पुरातत्व संबंधी वस्तुओं को उठा करके यहाँ रख दिया है। ऐसा नहीं है। इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी बिलोटा आश्रम के नाम से किया गया है। जी हाँ, यह स्थान सतयुग और त्रेता युग से संबंधित इसका इतिहास रहा है। अभी ये देखिए, ये पाषाण शिल्प जो है, कैसा सुंदर पाषाण शिल्प है कि मानो इस पाषाण शिल्पी ने अपने जीवन की समस्त तपस्या इस पाषाण शिल्प में उकेर दी हो। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक दिव्य आश्रम जैसा अनुभव आपको प्राप्त होगा। चारों तरफ हरियाली है। यह एक गुफा यहाँ पर है जो माता अन्नपूर्णा की गुफा कही जाती है। इसमें माता अन्नपूर्णा विराजमान है। तो चलिए, अब हम भीतर गुफा में प्रवेश करते हैं तो सामने हमारी सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है कि किसी भक्त ने यहाँ पर भगवान भोले की जो नटराज मुद्रा में मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की है। तो चलिए, हम भी दर्शन कर लेते हैं भगवान नटराज के। अब नटराज के बगल में ही यह माता अन्नपूर्णा है। कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा की जो आराधना करता है तो उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। बिलोटा महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ आते रहते हैं। ये अभी भी कुछ भक्तगण यहाँ पर विराजे हुए हैं। चलिए जानते हैं, इनसे परिचय लेते हैं। भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए प्रभु जी। रूप सिंह सिसोदिया। रूप सिंह जी सिसोदिया जी। कहाँ विराजते हैं भगवान? आशापुरी ग्राम। आशापुरी। इस स्थान का क्या नाम है प्रभु जी? बिलोटा धाम है। अच्छा, बिलोटा धाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दूसरे दर्शनार्थी बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान जी, आप अपना भी परिचय दीजिए प्रभु जी। शिवलाल यादव जी। शिवलाल यादव। शिवलाल यादव जी, आप कहाँ विराजते हैं प्रभु? यहीं गांव आशापुरी। गांव आशापुरी में। भगवान जी, ये स्थान कितना पुराना आप बता सकते हैं? ये तो हमको नहीं पता, हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कब का ये
अच्छा अच्छा, बहुत पुराना, बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा, चलिए ये यहाँ पर स्थान के महंत जी विराजित हैं, महंत जी से परिचय लेते हैं। भगवान जी अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। संदेश नाथ। अच्छा अच्छा, संजय जी नाथ। आप आशापुरी विराजते हैं। भगवान जी इस स्थान का महत्व बताइए, ये शिवलिंग का क्या महत्व है? इस प्रकार के कहीं नहीं, मैंने इसके एक अभिषेक करोगे तो तुम्हारा चारों धाम का अभिषेक उसका महत्व में, एक बार पूजन करोगे तो चारों धाम का पूजन तुम्हारी महत्व में। अच्छा अच्छा, एक बार पूजन करने से चारों धाम के पूजन का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। जी जी भगवान जी, आप शिवलिंग के महत्व के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए। गुरुदेव, ये क्या है, शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। 1008 शिवलिंग है जी, जी। अच्छा जी, तो इसका पूजन करते हैं तो क्या होता है? इसका पूजन करने से ये है कि 1008 शिवलिंग की पूजन हो जाती है। हो जाती है। अच्छा 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 जी, ऐसे शिवलिंग जो हमने हमारी उम्र में हमने तो कहीं देखे नहीं, नहीं देखा, प्रभु जाने और कहीं हो तो। जी जी, संभवतः आपने जहाँ तक शिवलिंगों के दर्शन किए तो ऐसा शिवलिंग आपको नहीं दिखाई दिया। महंत जी से अनुरोध है कि वे कृपा करके जो यहाँ पर वो दिव्य शिवलिंग है उनके दर्शन करवाएं। जो यहाँ पर भगवान नंदीश विराजमान है, ये देखिए, और यही वह दिव्य शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग में 1008 लिंग हैं। ये देखिए, ये बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। जहाँ भी हमारे दर्शक हमारे इस भाग को देख रहे होंगे उन्हें भी निश्चय ही 1008 शिवलिंगों के दर्शन का पुण्यफल निश्चय ही प्राप्त होगा। बंधुओं, जब भी आप भोपाल की यात्रा करें या इधर होशंगाबाद यानी नर्मदापुर की यात्रा करें तो यह स्थान भोपाल से 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल ओबेदुल्लागंज रोड पर स्थित है। अब्दुल्लागंज से यह स्थान लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, और भोपाल से यह स्थान लगभग 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी हमारे दर्शक बंधु इधर की यात्रा करें तो वे इस अद्भुत और दिव्य शिवलिंग का दर्शन करके पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।